السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قام بسدون مرباتي زرين जनाब हज़रतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन शेख जाफर दानिश और खुनायम वो लसबे कारकुन कुल्ला मासी तबरीक व तहनियत है उसमें कि ये अजीम कॉन्फ्रेंस को असमत गदीर व आशुरा मौजूई का मेरा दावत मिले और मैंने फ़ख्र की दिन हस्ती मती दरमियान नियुक्त कि बुलाते हैं लोगों को और दि जमा भी दि जुरअत को और दि हिम्मत बुला मैं गामा सी सलाम पेश है। बहरहाल दीन इस्लाम समझ ओम में जरूर इस्लामी या नंगला कदिर ग्वार गोस दी छोगुन नेमत पुगी कदिर ग्वार गोस अगर या नंगला दीन इस्लामी मकतब तशोई कदिर मसून अरे और दो पच बदबख इंसान चिक कि मकतब अहले बैत इन दुख से मकतब अहले बैत न थकरीन दुख से जिंदगी बेम्यू पते बदबख्तरीन इंसान चीजों से मिलो। मौलाना साहब इसी लेकिन अब बेहतरीन अंदाज इन सवाल उठाई बस वाकई दीन इस्लाम समझ मयूमा मुकर्ररीन बहरहाल मुकर्रर मतलब कोई ना मुकर्रर ना नहीं सिने पेनु खतीबियों अखोनियत मौलाना योत नई मुश्किल चिचिकियो दे मुश्किल को दो योत कि नया सी जाहिरी मिसदाक खई की हिब्बत जाहिरी मिसदाक खई माशरीन फसाद गोनियो कितना चिमेनियो झूले चिजियो किताब थो में था रुजन था स्मारा ब्लॉक से हमारा सी तो ही मैं बना देखो दीन को मशहूर देखो बोले पता सुन जो खतरे नहीं सुन जो खतरे नहीं सुन मगर बोले दीन को मशहूर दीन को मशहूर बना जाहिर बात है को अखल नजीक से शेख नजीक से मां खुदाला बाकी दिन नहीं हूँ दूसरे शेख नहीं शरीर जिक से जो अपन में ज्यादा जिक से जो खुदा ला जी पफा में दो ची वजह से जो दीन इस्लाम समझ मायो की वजह से मकतब तशो समझ में पर हम शेष भी आपको इंशाल्लाह फिर भी आपको सीता ना फेस तो चुट जो बने दे जो गांव पर दोनों इब्लाग 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 सुन समझता है इब्लाग समझता है जो थन चुका जब तक इस्लामी पैगाम को थोने मत पा इस्लामी चीज रे कुरानी चीज रे अरीची कसल यू मैं पता मैं नहीं जानता मगर अलीच यो लो लेकिन फसाहत नो बलागत ना शुजाअत नो कोई माना निया दुनिया सो हमें लो यो तो पता चिका सर मुझे पता में जैसे ना जो बलागे मतलब ना ना नजर से अब बलिंग ना नजर ना बाकी हकीकत ना नजर ना जो बलागे मतलब हमारे पास ना जो बलागा है मतलब ना जो बलागे क्या पता में बाकी पता में मुझे नहीं पता है मैं ये कुरान हूँ कुरान पता में जाना वाला देवलाक मसूद हूँ जब कुरान का भी कुछ नहीं पता है कुरान ही चीज है सतनारे
महाराज जी मिसाल तय नहीं होते, मिसाल उसमें बहुत सारे मिसालों के जरिए से समझाना बहुत अच्छा होता है। मान यहाँ लत जो माथे चिकना खत उस खत को भी नो यहाँ पाते हो तो यरी फायदे कड़ेशन हैदे कड़ेशन और दो यहाँ जबान चीनी हो और न यहाँ लाऊ ममित न यहाँ सी फिर सूर के ममित माने देने शायद मुमकिन नहीं यहाँ से फलान जगह आपके जो है हजार जो है ना एक लाख डॉलर आपके लिए मैंने फलान जगह पर रख दिया मतलब दूसरे यहाँ लतन में दूर आया यहाँ ला दी खत को भी दूरी फायदे तो होगा यहाँ लोग वहाँ पता मैं तीन में जो इसमें हजार डॉलर एक लाख डॉलर यहाँ नहीं हो जर वो दे रिबीस को जर बना यहाँ ला पता कोई नहीं आला एक लाख डॉलर तो भी नहीं है ना अगर यहाँ घुआसी चीर खेरे यहाँ कहना समझ होना आलम है मयोल यहाँ बता दे ताजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है जो तलाब दे दूँ ना आपके लिए कुछ फायदा कुरान की मिसाल ऐसी है अहले बैत की मिसाल यही मजलूम है दोजो इस्लाम अहले बैत मजलूम है इमाम मजलूम है इबलाग नहीं है ये हमारी जिम्मेदारी भारत एक लिहाज से एक हमारी जिम्मेदारी है मगर ये बात नहीं है कि सारी जिम्मेदारी हमारे हो ना आपके ऊपर जिम्मेदारी आप खुद पढ़े है ना अल्लाह ने आपको अकल दी है आपने शुऊर दी है आप पढ़े लिखे हैं तो आप जा सकते हैं पढ़ सकते हैं दूसरे क्या मसला है वो भी गाँवों से हर वक्त सबसे मुश्किल में बार बार नाजिस में दबा लगा दिए क्या लगा सी दी चीज पर ताकि ताकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे मिंबर से बयान नहीं हो सकता है बस मैं यकीन से कहता हूं इतने मसाइल है इतने मारिफ है जिन मौलाना चीज वो बयान भी नहीं कर सकते बस बात समझो ओम हमें और ओन एक दो को समझ आए तो वो भी नाकिस जो है ना समझो तो बस एक लाख दे थन माथन थन माने यान इल्म हम देखते थे दे एक सिलसिला है हम एक सिलसिला है उस सिलसिले को जब नहीं पकड़ेंगे वो उस सिलसिले को उस तरतीब को नहीं आप नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक आपको दीन समझ नहीं आएगा वही रस्मियत फिर जो है ना कह रहे गए यहाँ दूसरा नजर यहाँ तबल लो दूसरे माशा देखते नारे महान मानवियत अहलबैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना यान वाला मौला अली ना इमाम हुसैन ना जैसे यानी की मोहब्बत की शनि ये तो मैं जूँ मगर अमली मैदान में दिया अगर यहाँ ऐसी यहाँ मिसाल दे जो यहाँ ऐसी बेहतरीन बिरयानी शुरू यहाँ दिखा है जो ऐलान कर ले है ना बिरयानी हो क्या मदद दे दी वहाँ दुख सा लासा मतलब हुआ मैं यहाँ लाइक बिरयानी मोहब्बत की शनि दे इमाम हुसैन मोहब्बत को कामी हो दे चीज पर यानी नहीं जैन ओम जो यानी बिरयानी पर हम कुर्बान नहीं कर सकते इमाम हुसैन नाउज़ु बिल्ला तो देखो अब इल्म आ जाएगा देखो हां जी चलो इब्ला इब्ला वाचन इल्म मत इल्म और माने शनाख हुआ मतलब शनाख नु शनाख में देखो आप बोले इब्ला इब्ला या खुद पढ़ के या किसी से पढ़ के या खुद आलिम माने जो भी हो जिस अंदाज से आप इब्ला हो गया इब्ला में इल्म इल्म से शनाख शनाख सीनु तवल्ला तबर्रा जब शनाख जब आप हो जाएंगे है ना जी और इसके नतीजे में आपको मारिफत हो जाएगी मारिफत के नतीजे में आप आशिक हो जाएंगे आशिक के नतीजे में आपके दिल में मवद्दत और मोहब्बत का पैगाम आ जाएगा मवद्दत जिसके दिल में आ जाए मारिफत इल्म इब्लाग के साथ जिसके दिल में मवद्दत आ जाए अमल जरूर हो जाएगा अमल देखो ना अमल नियत के साथ साथ है आपके फिक्र आपके जब इस चीज को हमें बनाने की जरूरत है देखिए जी जवानों में इस चीज को पहुंचाने दीन को पहुंचा दो इस्लाम को पहुंचा अब तो मैं इस पांच मिनट में आधे घंटे में मैं क्या बयान कर सकता हूं अब मैं शुरू करूंगा महलन निजाम इलाही के बारे में ये बहुत बड़ा एक मौजू है और ये बहुत बड़ा जफा है पहले खुदा पर और उस पर रसूल अकरम पर कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजा दीन को भेजा और इसी तरह छोड़ दिया असलन ये पहले तो अल्लाह के लिए
और उसके बाद अल्लाह के रसूल के लिए जो कि अक्ल कुल है उसके लिए बिल्कुल नाजेबा और ये फिक्र जो कहेगा। अब निजाम है देखो जो इस निजाम को इमामत को गदीर को, अब गदीर में क्या हुआ था, गदीर में क्या हुआ था वही इबलाग है। गदीर में या अय्युहर रसूल बल्लिग, देखो खुदा खुदा इबलाग कर रहा है जी, खुदा तबलीग में नहीं जाना वाला सी भारी रसूल या रसूल अल्लाह बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक, या रसूल अल्लाह पहुंचा दो वो जो आप पर नाजिल किया गया है। रमज एक रमज चा कसर मयू दो दो कसर ना खुदा ना खुदा ना रसूल दरमियान नहीं एक राबिते वो पहुंचा दो वो तबलीग का بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته, वो जो पैगाम हमारे दरमियान है ना बात हुई थी अनन्या जी उसको आप ही नहीं पहुंचाएंगे इबलाग नहीं करेंगे। देखो जी इबलाग बुनियादी है, जब तक ये इबलाग नहीं होगा तो अली की विलायत गदीर खुम में, गदीर खुम में अली की विलायत नहीं उसे अल्लाह के लिए पहुंचा दे। और उसके बाद एक तहदीदाना अंदाज में कहा فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, आप ये इबलाग नहीं करेंगे या रसूल अल्लाह आप इबलाग नहीं करेंगे गोया आपने रिसालत ही नहीं पहुंचाई। अब ये इमाम का जो सिलसिला है ये निजाम है कायनात और निजाम इलाही जो इमाम पहुंचाएंगे, ये इबलाग नहीं पहुंचा तो या रसूल अल्लाह आपने निजामतें उठाई हैं और ये फरमाया कि मेरे ऊपर जो इतने अजियतें होंगे किसी नबी पर जो है इतने अजियतें उन्हें तकलीफें नहीं पहुंची है, वह तमाम के बावजूद है ना तमाम के बावजूद आप अली के विलायत का इबलाग नहीं करेंगे तो क्या फरमाया फमा बल्लग रिसाला आपने रिसालत ही नहीं पहुंचाई। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा। पता चलता है कि देखे अल्लाह ने देखो बहुत सारे, एक तो कहा कि आप पहुंचा दे जी जो आप पर नाजिल किया गया है और नहीं पहुंचाए तो रिसालत नहीं पहुंचाए, फिर एक जमानत भी दे देता है, जमानत क्या है लोगों के शर से आपको बचाएगा। तो जहन में यह बात आ जाती है कि रसूल अल्लाह तो बहुत बहुत डरपोक थे जी, रसूल अल्लाह तो डर गए, किस डर गए कि इबलाग रिसालत करने में रसूल अल्लाह डर गए क्या, डर गए मगर वो डर उस माने में नहीं था, डर उस माने में नहीं था, डर इस माने में था कि अली की विलायत का ऐलान करूं तो बहुत सारे मुनाफिक बहुत सारे लोग, अभी हमारे माशरे में बहुत सारे हम काबिलियत को नहीं देखते, हम शायस्तगी को नहीं देखते, हम सलाहियत को नहीं देखते, हम जो है हर वक्त कहते हाँ पता चला अपने भाई को दे दिया ना है ना, मैं दुनपन फतेह पजू है ना जो हमें पहले से पता था है ना जी कुती फोन वाले मिन मिन सपा ले खुरी मक्पई है जो मक्पल मिलसिया मती माशिरी नु बहुत सारे जो है ना आता आबा रसूल अल्लाह के पास दी जो मती माशिरो भी नु हजारों कसम के हर हर मोड़ पर ये मौजूद है, या कुछ पार्टी में ना जो अब नहीं देखते कि वो आदमी इसको कितना सुनाए थे, पारा खराबियां हैं हाथों से में खराबी नहीं है, मगर हक पे होते हुए भी बहुत सारे बातें ऐसी थी कि कहते कि रसूल अल्लाह पता चला जी है ना रिसाला रिसाला कुरान कुरान कह के जो अली को अवसी बनाने के लिए था ये सारे है ना जो रचाया, तो इससे डर रहे थे रसूल अल्लाह है ना जी, इससे डर रहे थे, इससे कहा वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ए रसूल अल्लाह आप मत डरिएगा आप मत डरिएगा आप मैं लोगों के शर से आपको बचाएगा। वही अल्लाह जो है ना बहुत सारे असाब थे कौन थे उसमें 1,24,000 1,20,000 बहुत सारे रिवायतें होंगे, इन सारे असाब के सामने रसूल अल्लाह को क्या डर रहा, डर इसी चीज की थी, मगर वही डर जो रसूल अल्लाह को था रसूल अल्लाह के बाद ये वाक्य हुए नहीं वाक्य, रसूल अल्लाह के जो डर है जो खौफ है उम्मत मुहम्मदी में जो अली अलैहिस्सलाम को जो इमामत अल्लाह की तरफ से दी गई है जो विलायत की जो इनाम है दिया था रसूल अल्लाह को डर था, इन्होंने दिल में तो छुपाया जी जाहिर तो नहीं किया
जैसा ही रसूल अल्लाह दुनिया से रहलत कर गए, अपना जो खबासत है ना जी, वो सामने आ गया। ये चीज जो है ना हमें समझने की चाहिए थे। इसमें देखिए हमारे हम जो है हर वक्त जो है ना, मैं एक दिन कहा कि हम क्या है पता है, बहुत सारे बुराई करने वालों पर लानत भेजते हैं जो बुरा करते हैं, जो जुल्म करते हैं। फलान जमाने में फिरौन पे तो हम बड़े, ये फिरौन नमरूद ना आता दे चीजों द पागल सुमन को ना ददरे व्यापन को ना चाहो काम ना नहीं फिरौन फिरौन दे आजू दो मन्ना दो काम आता है जो मती दरमियान युद्ध पे फिरौन को ना आता चाहो में मती दरमियान युद्ध पे शिमर ना आता चाहो में। ये बहुत जरूरी है जो ये करो जो है ना शहीद मुतहरी से कसल भी उसे, और ये बहुत जरूरी है यहाँ की जिंदगी नो माता से जो ऊपर वो ठीक है उन पर हम जो है झूठ बोलने वाले पर हम जो है लानत भेजते, मगर जो है मेरे सामने अभी झूठ बोलने वाले पे क्यों लानत ना है जी। उस जमाने में जुल्म करने वाले पर अगर लानत है जी, अभी मेरे सामने मेरे ही घर के सामने मेरे माशरे में और झूठ बोलने वाले रश्वत खाने वाले कामकाज करने वाले पे उस पे क्यों लानत ना हो। ये चीजें जो है ना इसमें मिला हुआ है। देखिए जी हम फकत उधर जाते हैं, यहाँ हम हमारे पास नहीं आते हैं। तो ये चीजें जो है भारत अजमत कदीर जी कदीर इबलाग का जो कि हर चीज के लिए जरूरी था, और आशुरा ने उस इबलाग को देखे, उस इबलाग को जब ये इबलाग रसूल अल्लाह तक मील तक नहीं पहुंची तो हुसैन को करबला में अमली इबलाग करने की जरूरत पड़ी। अमली इबलाग क्या, और रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इसी गदीर को बचाने के लिए, उस पैगाम इलाही को या अय्युहर रसूल बल्लिग को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपने आप को शहीद किया। ये बहुत बड़ा हमारे लिए पैगाम है। हर एक जवानों के साथ जहन में बात आ जाती है, और इससे ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा कि तो एक सवाल यह कि तो क्या हुआ कि ये निजाम इलाही कहाँ है जी? अल्लाह का जो पैगाम है बल्लिग का उसी वक्त से अभी तक नहीं है ना, जहन में आ जाती नहीं। अरे अल्लाह का जो पैगाम है जो विलायत का जो बेहतरीन जो निजाम दिया था वो कहाँ, ये सवाल जो है ना जहन में आ जाते हैं जवानों के शायद पढ़े लिखे आफात के लिए। देखिए उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए उसके लिए देखो कानून, कानून अलग चीज है, कानून का होना और उसका इजरा अलग चीज है, उसका तवक्कुफ और तहक्कुक होना अलग चीज है। मतलब ये फलान जगह का जो है ये जमीन जो है, देखो मैं कहता हूं सारे कागजात में आपके नाम पे लिखा है, ये सारे मैं परफेक्ट मिसाल देता हूं, एक मैंने आके जो है ना जुर्म जो है वो मेरे आपसे कोई उसके सामने बात नहीं कर सकता है, तो उसका मतलब ये है कि वो जिसने कब्जा किया है जो जुल्मन जो है उसका मतलब क्या है, क्या वो उसका है क्या, हालांकि उसने वहां घर बनाया है, उसने बाग बनाया है और हजारों कसम के जो है वहां फ्रूट और दरख लगा के जो है वो दिखा रहे, तो जिसके नाम पे है जिसका हक है क्या वो जो है उसका हक नहीं रहेगा। देखो इस इमामत के मसले में भी ऐसा है, यानी हक इमामत का अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, और इसी हक को जुल्मन जो है इन्होंने ले लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे, क्योंकि अल्लाह ने एक नेमत दी थी नेमत उज़मा इत्माम नेमत, जब हमारी नाशुक्री हो गई तो अल्लाह ने अपनी नेमत को उठाया जी। वो नेमत जब तक आप शुक्रगुजार नहीं होंगे, वो पर्दे गैबत में रहने वाले हस्ती उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक आप शुक्रगुजार नहीं होंगे, उन पर जुल्म करने वाले आप नहीं होंगे, उसकी नियामत की आप शुक्र नहीं करेंगे, उस वक्त तक गैब की पर्दे से जुहूर नहीं करेंगे। हम दुआ करते हैं पाक परवरदिगार हम सबको खुदाया अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह खुदाया पाक परवरदिगार
हमारी दुआ है इस माह मुबारक मुहर्रम में पूरी दुनिया में आज़ादारी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीम मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज़ादारी होती है, सिनजनी होती है, जुलूस निकलते हैं। खुदाया इन तमाम मोमिन मोमिनात की हिफाजत फरमा या अल्लाह। खुदाया इंतकाम खून हुसैन लेने वाले हस्ती इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला को शरीफ की ज़ुहूर में ताजिल फरमा और हम सबको उनके आवान अंसार में करार दे। जय मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलावात।